भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया ताकि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो उद्धार पाए। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर पर विश्वास करें। वो इकलौता परमेश्वर है जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाई, नहु बहाता रिया और सहता रहा, परंतु उसने कभी दुख तक ना किया। मेरे भाई और मेरे बहनों, सहन शक्तियों को बढ़ाओ। परमेश्वर आपके भीतर है, जितना आप विश्वास करोगे उतना बढ़ते जाओगे। संसार में नहीं, परमेश्वर के न्याय के लिए बढ़ो। आप परमेश्वर की संतान हैं, यीशु मसीह की संतान हैं। आप उन पर यकीन करना चालू करें, प्रार्थना करें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत काम करेंगे और हर रोग, हर बीमारी, हर परेशानी से आपको बचाएंगे। आप विश्वास करते हैं तो इसी वक्त, इसी क्षण आप छुटकारा पाने वाले हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, ये देखिए, ये गार्डन है, यहाँ पे परमेश्वर की खुशबू है, यहाँ पे उसकी रंगत है। आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच अद्भुत काम करने को बैठा है। आप उसे पुकारें, वो आपके नज़दीक है। वो बहुत प्यारा परमेश्वर है, वो निराला परमेश्वर है, उसकी कायनात बहुत खूबसूरत है। आप विश्वास करते जाएं अपने जीवन में और उसकी निगरानी में जीवन जिए, क्योंकि वही सच्चा और इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं। विश्वास करो यीशु के नाम में। आमीन।